बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर है घर में। मैं सूरज राज आज के वीडियो देखने वाले हैं। जो भी छात्र देखो यहाँ बात करने वाले हैं एमजेपी आर्यलखंड की। बहुत बड़ी अपडेट है ये, एक न्यूज़पेपर में कटिंग में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ बोला गया है मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जल्द होगा जारी, जिससे हाँ आप जो आप परीक्षा की जो आप बात करने वाले हैं एग्जाम की स्कीम की, कब एग्जाम होंगे, बहुत सारे कमेंट मुझे मेरे पास आ रहा है, इसमें कॉल भी आ रहा है कि सर स्कीम कैसे कैसे क्या है। वो स्कीम जो थी उसको हटा दिया गया अभी हाल ही में। तो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि मुख्य परीक्षा है जो आपके बीए बीएससी बीकॉम वालों की, एमएमएससी एमकॉम वालों की, तो उनकी परीक्षा का जो कार्यक्रम होगा या फिर टाइम टेबल होगा वो जल्दी जारी होने वाला है, दोबारा से जारी होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ उन्होंने बोला है कि बरेली कॉलेज के भौतिक विज्ञान जो प्रैक्टिकल्स है परीक्षा देती छात्र हैं ये, उसमें प्रैक्टिकल चल रहे हैं। इसमें देख सकते हैं बरेली कॉलेज में बहुत ही विज्ञान का प्रैक्टिकल चल रहा है ये, इसकी यहाँ एक फोटो लिया गया है। और मैं आपको यहाँ बता दूँ, देखो एमजेपीआरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली की बात करने वाले हैं, 17 जून से शुरू होने वाली मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। तो 17 जून से जो परीक्षा होने वाली है उसका कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। 18 जून से व्यावसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षाएँ भी शुरू हो रही हैं, जिसका व्यावसायिक पाठ्यक्रम है वो 18 जून से परीक्षा शुरू हो रही है। और यहाँ कह रहा है वहीं दूसरी तरफ महाविद्यालयों में प्रयोगात्मक परीक्षा शुरू की गई है, और दूसरी तरफ क्या है कि जो प्रैक्टिकल चल रहे हैं वो भी शुरू कर दिए गए हैं। शुक्रवार को बरेली कॉलेज में बहुत ही विज्ञान तथा अन्य पाठ्यक्रम के, मतलब कल जो शुक्रवार था तो कल के दिन की वो है, तो उनका क्या था परीक्षा हुई थी, मतलब कह सकते हैं कि जो परीक्षा हुई है कल आपकी प्रैक्टिकल हुआ है, कल फिजिक्स का प्रैक्टिकल हुआ है। अब यहां देखिए कि विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं पहले 11 जून से प्रस्तावित थी, मतलब 11 जून से कराने की बात की गई थी, लेकिन परीक्षा केंद्र निर्धारित न होने और प्रवेश पत्र जारी न होने के कारण, ठीक है, छात्र परेशान थे। तो मतलब क्या हुआ, जो प्रवेश पत्र जारी ना होना और ये सब तो काफ़ी परेशान थे, तो उस तरह से मतलब 11 तारीख से नहीं कराएगी, आज 11 तारीख है नहीं कराएगी। यह कह रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि कुछ प्रतिगति कह सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के चलते परीक्षा कार्यक्रम का संशोधन कर दिया रहा है। मतलब क्या है कि रामपुर में जो हो रहा है लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, ठीक है, लोकसभा का, इस वजह से क्या कर दिया गया है, जो परीक्षा 11 जून से थी अब वो नहीं होगी, ठीक है, उसमें संशोधन कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा में देरी आगामी सत्र देरी से शुरू होगी, क्योंकि मुख्य परीक्षा में कम से कम 1.5 माह का समय लगेगा। मतलब क्या है, इसीलिए क्या हुआ कि जो परीक्षा होंगी वो कम से कम 1.5 महीने में खत्म होंगी, और इसके अलावा स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं भी अभी होनी बाकी है, और सेकंड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर की हुई थी आपकी जनवरी में, अब सेकंड सेमेस्टर की होनी बाकी है। कुलपति जी के द्वारा जो केपी सिंह है कुलपति हैं एमजेपीआरयू के, उन्होंने कहा है कि परीक्षा 17 जून से शुरू होंगी, मतलब कि 17 जून से आपकी परीक्षा शुरू होंगी। आप भी अब ध्यान रखिए, बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए कि 17 जून से आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है। परीक्षाओं का आयोजन जुलाई तक होगा, मतलब कि उनका, ठीक है, और उसका कहना कह सकते हैं उनका कहना है कि आगामी सत्र कि प्रवेश प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी, जो आगामी सत्र है उसकी भी प्रवेश प्रक्रिया जल्दी, बहुत जल्दी, कि आगे वाले जो एडमिशन होंगे उनकी भी प्रक्रिया शुरू करनी है। तो आप देख सकते हैं कि 17 जून से शुरू होगी आपकी परीक्षाएं, मुख्य परीक्षाएं 17 जून से होंगी, ये उन्होंने बोला है। तो टाइम टेबल बहुत जल्दी घोषित होने वाला है। आप सभी से आशा करता हूँ कि वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक व्हाट्सअप, फेसबुक जो भी चला रहे हैं उस पर शेयर कर दो यार। सबसे पहले अपडेट हम आपको लेके आते हैं, क्यों, देखो हम वही चाहते हैं कि आप इस अपडेट से, जो भी अपडेट आती है उससे वर्षित रहें और आप चिंता ना करें, ठीक है। देखो एग्जाम आपके होने हैं, 17 तारीख से एग्जाम होंगे, आपकी तैयारी बेहतर रखो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए वही तैयार करो, बाकी कुछ मत करो। एग्जाम से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, पहले जो 18-19 क्वेश्चन दिए वो अच्छे तरीके से पढ़ लो, बाकी कुछ मत पढ़ो, समझ रहे ना, इंपॉर्टेंट ही पढ़ो, फालतू कुछ मत पढ़ो, ओके। अब टाइम इतना नहीं है कि आपको फालतू पढ़ने की चीजें हैं, तो आप अच्छा पढ़ो, बेहतर पढ़ो, अच्छे नंबर से पास हो जाओ, ओके। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं कि जो बीएमएस की जो परीक्षाएं हैं उनमें पकड़ा गया नकलची, मतलब कह सकते हैं जो नकल पकड़े गए हैं, नकलची एक पकड़ा गया एक लड़का, तो उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया। तो उसके मतलब हमें यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस जो मतलब था वो यहाँ डिस्कस कर दिया गया। बाकी मैं एक नेक्स्ट एक हमारे एक अपडेट और आई हुई है, जिसे कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएँ कल से नहीं होंगी, मतलब कि जो 11 तारीख से परीक्षाएँ होनी थी तो वो अब नहीं होंगी, यहाँ उन्होंने बोला है। मैं इसको मैं सेकंड पार्ट में डोनेट करूंगा, मतलब सेकंड वीडियो में इसमें बताऊंगा कि इसमें क्या क्या था, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। आशा करूँ वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। थैंक यू।